नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत सदस्य माधुरी सिंह पत्नी जय बहादुर सिंह ने लगाया झाड़ू। आजमगढ़ के मुबारकपुर ओझौली में आजमगढ़ के मुबारकपुर सठियाओ खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत ओझौली में शिव मंदिर के सामने परिसर की साफ सफाई किया। साफ सफाई का पखवाड़ा को सफल बनाने के लिए गांव-गांव में जागरूक किया जा रहा है कि सफाई स्वास्थ्य और गंदगी बीमारी है। सरकार का स्वच्छता पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक हर घर, स्कूल, मंदिर और सार्वजनिक स्थान पर विशेष रूप से सफाई करना है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर कहीं पर भी गंदगी न रह जाए, इसलिए सफाई अभियान चलाकर सफाई करने का आदेश निर्देश जारी किया गया है। आज जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत गर्वे ने सहागढ़ गांव पहुंचकर झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने कहा कि घर के सामने गीला कूड़ा और गंदगी व पॉलिथीन का ढेर मिला तो जुर्माना भरना होगा, इसलिए साफ सफाई का ध्यान दें। इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य माधुरी सिंह पत्नी जय बहादुर सिंह, रवि सिंह, अशोक सिंह, नागेंद्र सिंह, राघवेंद्र निषाद, धर्मराज कुमार, रानूलाल सोनकर, मुन्ना प्रजापति, भीखा गोल, कृष्णपाल आदि लोग मौजूद रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट। जो बताएं, रवि सिंह इवाने से जी, सफाई अभियान चल रहा है, किस विषय में चल रहा है ये स्वच्छता अभियान? जी, जैसे कि पूरा देश सफाई हो जाए जी। किस जगह चल रहा है ये? 2 अक्टूबर गांधी जयंती है जी, ये शिव मंदिर पे। किस जगह? शिव मंदिर ओझौली। गांव का नाम? ग्राम सभा ओझौली। थाना? मुबारकपुर। जिला? आजमगढ़। अपना परिचय बताएं। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य ओझौली जी। परिचय बताएं अपना, नाम? जय बहादुर सिंह जी। सर, ये सफाई अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, किस जगह चल रहा है और किसके सौजन से ये कार्यक्रम चल रहा है? ये माननीय प्रधानमंत्री का जो मिशन है कि घर एक पखवाड़ा तक जी सफाई अभियान चले, उसी के अंतर्गत और तमसा तट पर प्राचीन बहुत पुराना मंदिर है जी, शिव मंदिर है। शिव मंदिर है जी, और नदी तट पर है जी। कब से यह कार्यक्रम चल रहा है सफाई अभियान? अब ये चल रहा है आज 1 सप्ताह तक चलेगा, 1 तारीख से जी। 1 हफ्ता चलेगा जी। कितने लोग हैं इसमें? 50 की संख्या में हैं लोग जी, और लोग हैं। किसके सौजन से कार्यक्रम चल रहा है? माननीय प्रधानमंत्री का जो मिशन है जी कि पूरे भारत में सफाई अभियान चल रहा है, इसी तरह तरह की सफाई जहाँ रहेगी वहाँ कोई बीमारी भी नहीं होगी जी। बिजली की भी यहाँ व्यवस्था नहीं है? बिजली की व्यवस्था है, है जी। और रास्ता का, रास्ता और बिजली की व्यवस्था देखने में नहीं मिल रही, तो इसको इसके बारे में क्या मांग करेंगे आप? अब ये चकबंदी विभाग में मान लीजिए दिया गया है, चकबंदी के लोग जानेंगे जी, रास्ता देंगे जी। तो प्रस्ताव डाले हैं आप? हाँ, प्रस्ताव दिया गया है। अब चकबंदी विभाग है, किस कहाँ कैसे रास्ता देगा, अब उसकी जिम्मेदारी है ना जी। फिर मांग किए? हाँ, मांग हुई है। आश्वासन मिला? हाँ, आश्वासन कहे कि मान लीजिए हम देंगे जी। चारों तरफ आबादी है, रास्ता की दिक्कत इसलिए है कि यहाँ तो बन जाएगा मगर आबादी है, घर है, घर के सामने चकबंदी विभाग क्या करेगा, उसको भी मजबूरी है ना जी। नमस्कार, आप देख सकते हैं कहारी बम्बई न्यूज़ से अमित तिवारी। आज सफाई अभियान का कार्यक्रम चल रहा है मुबारकपुर मुबारकपुर क्षेत्र के उजली ग्राम सभा में। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।